मेदांता अस्पताल में भर्ती समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां की हालत गंभीर। उन्हें हाई ऑक्सीजन स्पोर्ट की वजह से आईसीयू में रखा गया है। वहीं आजम खां के बेटे की हालत स्थिर और संतोषजनक बताई गई है। आजम खां की मौत की अफवाह के बाद मेदांता के डायरेक्टर राकेश कपूर की बाइट। आपके यहाँ मेदांता हॉस्पिटल में जो सपा सांसद है आजम खां जी को भर्ती किया गया है, क्या स्थिति है अभी उनकी? आजम खां साहब को सीतापुर जेल से दो दिन पहले हमारे वहाँ ट्रांसफ़र किया गया है, तो वो और उनके पुत्र दोनों हमारे वहाँ आए थे। शुरू में हमने उनको कोविड वार्ड में रखा था, परंतु आजम खां साहब का थोड़ा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी, करीब 8 से 10 लीटर पे वो आ गए थे, तो इसलिए हमने उनको आईसीयू में रख के और गहन ऑब्जर्वेशन में रखा है। इस समय वैसे वो स्टेबल हैं, लेकिन कोरोना जैसा कि आप जानते हैं एवरी आवर चीज़ें बदलती रहती हैं, तो अभी गहन हमारी सीसीएम की टीम की निगरानी में है और होपफुली अभी स्टेबल हैं और ठीक होना चाहिए। और उनके पुत्र की क्या वो बिल्कुल स्टेबल हैं।